नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय न्यू टेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए, आज मैं आपको अडेनियम प्लांट के अपडेट देने जा रहा हूँ। इससे पहले देखिए नज़ारा दिखा देता हूँ आपको। अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, तो आप भी अपने गार्डन में घर पे ऐसे पानी के गमले भर के लगा सकते हो, देखिए, ताकि चिड़िया पानी पी सके। छत पे लगाइए, आंगन में या घर पे, कहीं भी आपको पेड़ दिखे बाहर, वहाँ आप ये लगा सकते हो, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है तो उसको पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर चिड़िया ऐसे गर्मियों में भी मर जाती है चिड़िया, तो पानी के घर देखिए मैंने लगाइए कि यहाँ लगाया है। ये रहा, यहाँ पे है और एक वहाँ सामने, तो ये मुझे बिल्कुल फ्री में मिले हैं। तो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि मुझे कहाँ से ये गमले मिले। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मैं आपको मेरे अडेनियम प्लांट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा अडेनियम कलेक्शन है जो सबकी मैंने प्रूनिंग कर दी है। इसका एक वीडियो और डाला हुआ है मैंने इसकी मिट्टी के बारे में। ये देखिए, सबका मैंने बॉन्साई बना रहा हूँ, तो ग्रोथ देख सकते हो आप, अच्छे से स्टार्ट हो गई है ग्रोथ। ये बहुत खूबसूरत फ्लावर देते हैं अडेनियम। अगर आपके पास नहीं है तो आप लाके नर्सरी से भी लगा सकते हो। एक बार आप प्लांट ले आओगे नर्सरी से और इसकी मिट्टी अच्छे से बना के लगा दोगे तो सालों साल टिकेगा, और इससे जो फ्लावर आते हैं उसमें सीड पॉट बनते हैं। तो सीड पॉट, एक बार अगर आपके गार्डन में सीड पॉट बन गया तो आप टेरो प्लांट बना सकते हो। ये मेरे मुझे सीड पॉट मिले थे, उसी से मैंने सारे जर्मिनेट किए, देखिए। और अभी मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी तो सब में दो दो ब्रांचेस निकल के आई, देखिए। देखिए यहाँ पे भी, तो इसकी मिट्टी के बारे में अब आपको बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ, फिर भी आपको बता। तो इसकी मिट्टी में 60% आप कंस्ट्रक्शन सॉइल लीजिए, जिसे बालू मिट्टी भी बोलते हैं, उसे लीजिए, और 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल, और 10% के आसपास खाद मिलाइए। जो भी खाद हो आपके पास, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट या गोबर की खाद यूज़ करते हो, तो एक मैं हर एक वीडियो में आपके बताते रहता हूँ कि अच्छी से सड़ी हुई होनी चाहिए, डिकम्पोस्ट हुई खाद आप यूज़ कर सकते हो, वरना वो आप प्लांट को फंगस लगा सकती है। तो ऐसे मिट्टी बनाओगे अच्छी वेल ड्रेन, तो आपका प्लांट सालों साल टिकेगा। अगर आप कभी कभी ज़्यादा पानी भी दे दोगे तो आपका प्लांट नहीं मरेगा, क्योंकि मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन होगी तो पानी पूरा निकल जाएगा और इसकी जड़ों में पानी ज़्यादा नहीं टिकेगा, देखिए। तो इसकी प्रूनिंग के बारे में भी आपको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको इसकी प्रूनिंग करनी है। अभी नहीं की है तो आप कर सकते हो। मेरा बड़ा प्लांट है अडेनियम का, वो भी आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये देखिए, ये बड़ा प्लांट था, बहुत लंबा हो गया था, तो इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी। देखिए, तीन ब्रांचेस यहाँ से निकल के आई है, और इसको मैंने पहले बॉन्साई पॉट में लगाया था, वो वाला जो पहले दिखा है ना उसी में, पर उसमें इसकी जड़ें अच्छे से सेट नहीं हो पाई, क्योंकि ये बहुत मतलब बड़ी हो गई है इसकी जड़ें, और पॉट बहुत छोटा पड़ रहा था, तो इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। मतलब मैंने रिपोर्ट किया फिर भी नहीं हो रहा था, तो मैंने दोबारा इसको इसी में ट्रांसप्लांट कर दिया, ये 6 इंच के गमले में। इसके गमला भी इसको बहुत, अब बॉन्साई पॉट दिया हुआ है तो पहले से तो अच्छा रहता है, नहीं तो बड़े गमले में लगा दिया तो इसकी जड़ें ज़्यादा हो जाती है। तो बॉन्साई पॉट आप लगाओ तो भी बड़ा होना चाहिए। मेरा बॉन्साई पॉट बहुत छोटा था तो इसी वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, तो वापस मैंने इसी में इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है। इसकी मैंने जो ब्रांच लंबी सी काटी थी वो भी अभी पड़ी है मेरे पास, ये देखिए, इसको मैंने ऐसे निकाल के रख दिया है। मैं लगाऊंगा यानी क्या करूँ इतने अडेनियम का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सीड्स भी लगाए हुए हैं, उससे भी बहुत सारे बेबी प्लांट और नए नए बन गए हैं, तो वो भी देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे।
इसको सीड को भी जर्मिनेट करना बहुत आसान है, बहुत मतलब इजीली ग्रो हो जाते हैं ये इसके सीड, अगर आपको कहीं मिल जाए तो ग्रो कर लीजिए। और इसको अभी मतलब मैंने ट्रांसफ़र किया, थोड़ा छाँव में ही रखा है, पूरी धूप में नहीं रखा है, थोड़े दिन बाद अभी 2-3 दिन हुए इसको इसमें रिपोर्ट कर दिया वापस, तो छाँव में रखूँगा। और ये देखिए यहाँ पे जेड प्लांट है मेरा, इसका वीडियो मैंने 2 दिन पहले ही डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो, बटन में दे दूँगा तो वहाँ पर आप क्लिक करके भी देख सकते हो। तो चलिए इसकी प्रूनिंग की बात कर ले, तो मैं आपको प्रूनिंग का सही तरीका सिखाता हूँ आपको। देखिए इस प्लांट को मैंने प्रून नहीं किया था, बस खाली ऊपर से जो इसकी जो छोटी सी मतलब ब्रांच आती है, 2 पत्तियाँ वो काट दी थी हाथ से। तो देखिए तो इसमें भी 3-3 ब्रांचेस निकल आई है। तो आपकी प्रूनिंग की बात करूँ तो देखिए इसको मैंने प्रून कर दिया था पूरा हार्ड, तो ये दोनों को, इसको भी मैंने प्रून कर दिया था पहले, तो 2 ब्रांच निकल के आई थी यहाँ इसमें से निकली है ये देखिए। इसको मैंने रिपोर्ट किया है, अभी 2 दिन ही हुए इसीलिए इसकी हालत ऐसी दिख रही है आपको। तो इसको प्रून करने के लिए आप अच्छे से मतलब नई वाली जो ब्लेड आती है वो यूज़ कीजिए, ब्लेड ले आइए और उसको कट कर दीजिए यहाँ से, देख सकते हो यहाँ से कट कर दीजिए। चलो मैं आपको कट करके ही दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह कट करना है। ये देखिए मैंने नई ब्लेड ली है, तो इसी से कट कर देंगे यहाँ से, मैं एक हाथ से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक मिनट मैं कट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ कट कर दिया, ये मेरा कटिंग से लगा हुआ है, मैंने कटिंग जो इस प्लांट से सबसे कटिंग की थी वो कटिंग इसमें लगाई थी ये सब, तो कटिंग ही मेरी लग गई, कटिंग को ही मैंने इसको कट कर दिया है। अभी देखिए इसको आप कॉटन लीजिए रुई, उससे पोंछ लीजिए, पोंछ के इसके ऊपर फंजीसाइड पाउडर लगा दीजिए। अगर फंजीसाइड पाउडर नहीं है आपके पास तो आप जो किचन में हल्दी यूज़ करते हो हल्दी लगा दीजिए, तो आपका प्लांट अच्छे से चल जाएगा। और अभी आपने कट किया यहाँ से तो 2-3 नई ब्रांच निकल के आएगी और इसका कोडेक्स भी धीरे धीरे बनने लगेगा। ज़्यादातर कटिंग में कोडेक्स नहीं बनता है, पर जो हम सीड से लगाते हैं उसका कोडेक्स अच्छा निकल के आता है। ये देख सकते हो इस सीड वाले का कोडेक्स कैसा दिख रहा है, ये सब मेरे सीड से लगे हुए, तो इसका कोडेक्स देख सकते हो, ये भी सीड से लगा हुआ है, ये भी देखिए। तो जितने भी सीड से लगे हुए उसका कोडेक्स बहुत अच्छा बनता है। तो आप इसी तरह आप कटिंग करोगे प्लांट की तो बहुत अच्छे से आपका प्लांट ग्रो करेगा, और कटिंग करना ज़रूरी भी है क्योंकि कटिंग करोगे तो अच्छा बॉन्साई लुक भी इसको मिलेगा, क्योंकि डायनामिक बॉन्साई प्लांट ही है, तो इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा केयर की। देखिए मैंने जो चिड़िया को पानी पिलाने के लिए जो गमले दिखाए थे वो मुझे यहीं से मिले थे हमारे यहाँ होली के दिन, ये मतलब मैंने पूछा कि कितने में, तो इन लोगों ने फ्री में, तो फ्री में दे रहे थे, तो यहाँ से मैं 3 लेके आया था चिड़िया का पानी पिलाने के लिए वो गमले, तो उसी में लगाया है। तो आप भी गर्मियों में लगाइए क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर चिड़िया ऐसे बिना पानी के ही मर जाती है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, तो हमारे गांव में होली के दिन इन्होंने चिड़िया का पानी पिलाने के वाला गमला और चिड़िया का घोंसला बना दिए, वो वाला भी देखिए वाला, वो दोनों दे रहे थे तो वहीं से मैंने लिए थे। ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्त आपका हमारा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं आपको चलो दिखाता हूँ कि मुझे ये वाले पॉट कहाँ से मिले हैं, तो चलिए दिखा देता हूँ आपको मैं।